इनकी किस्मत आए बदमान की देखो परमात्मा के दरबार में, बालाजी के दरबार में जो जिस भावना से बैठता है, संदेह की भावना से, विश्वास की भावना से, श्रद्धा की भावना से, दृढ़ता की भावना से, जो जिस भी भावना से बैठता है उसको उसी भावना से बालाजी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात और, भगवान का मिलना कठिन नहीं है या भगवान की कृपा को पाना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना बड़ा कठिन है। क्या सरल होना बड़ा? सरल आदमी बड़ी मुश्किल में होता है। इसलिए हमारे पागलों, हम आपसे का हो डंडा, अच्छा झंडा, मार पीट देता किसी। सुनो, बाबा कहते हैं कि जो जिस भावना से हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी उसको उसी प्रकार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बड़ी गंभीर वाली बात यह है, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करे। ध्यान से सुनना, जो अपने पति को छोड़कर, राम राम, पर पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना करे, वो पतिव्रता स्त्री है। और मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि सच्चा साधक वही है, सच्चा भक्त वही है, सच्चा श्रद्धालु वही है, सच्चा जिज्ञासु वही है जो अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान को छोड़कर स्वप्न में भी मन में संदेह प्रकट ना करे। भगवान है या नहीं ये बड़ी बात नहीं है, भगवान नहीं होते तो तुम नहीं होते, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो अमुक समस्या है उसका समाधान कैसे हो जाए। आप तो आए हो स्वार्थ बस, गोस्वामी जी भी कहते हैं सोरे नारे मुनि सबकी यह रीति, बोले क्या स्वार्थ लागी करहिं सब प्रीति। सारा संसार स्वार्थ बस प्रीति करता है, स्वार्थ बस हनुमान जी से जुड़ते हैं, स्वार्थ बस बजरंग बली का ध्यान करते हैं। और हद तो ये है, स्वार्थ पूरा ना हो तो बजरंग बली है ही नहीं, गायब हो गए। एक दो आदमी हमें मिले, अरे बोले भगवान है ही नहीं धरती, हमने कहा क्यों, अरे बोले 22 बार आ गए। अरे हमने कहा 22 बार आ गए तो नहीं आ, हम नहीं मिले तो भगवान नहीं है क्या? अरे भैया, हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें
एक बात बताओ, गहरा दाग लग जाए एक बार में साफ हो जाएगा? बोलो। नहीं, गहरा दाग जिस प्रकार बार बार सर्फ में डालने से, बार बार धुलने से साफ होता है, उसी प्रकार बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बार बार पेशी करने से, प्रार्थना करने से समस्या का समाधान होता है। बागेश्वर हनुमान जी है जज के हनुमान। कौन से हनुमान? जज के। जज का मतलब होता है मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के दरबार में आप जब अदालत में जाओगे तो आपको कोई भी केस फाइल करनी हो तो वकील की जरूरत पड़ती है, पेशकार की जरूरत पड़ती। हाँ जी या ना जी? बोलो। वकील है सेनापति, हम बुलाते ना, हाँ भाई सेनापति हाजिर हो। वकील है सेनापति, पेशकार बाबू कौन है? सन्यासी बाबा। जज कौन है? बागेश्वर बालाजी। अच्छा इतने तो हो गए भाई, आप पूछोगे गुरुजी तुम सबका बता दिया, अपना बताओ तुम कहाँ हो? कुर्सी पे बैठे लंबी चौड़ी, भारी माइक है, भारी चीन चंदन लगाए, कौन हो तुम? सुनो, पेशकार बाबू सन्यासी बाबा है, जज हनुमान जी है, वकील है हमारे सेनापति जी, लेकिन दरवाजे के बाहर सफेद कपड़ा पहने टोपी लगाए पहरेदार पुकार लगाने के लिए बैठा रहता है, पूरी अदालत देखना। वो क्या करता है? किसी की भी पेशी हो तो वो क्या कहता, अमुक आदमी हाजिर हो। हम क्या करते हैं, लाल सेट वाले आ जाओ, अर्जी लग गई, करते कि नहीं? बोलो। हम है चपरासी, बालाजी है जज, और तुम मुकदमा लड़ने वाले, केस दायर करने वाले लोग, ले हैं लंबी लंबी मोटी मोटी फाइल, जमीनों पर कब्जा हो गए, शरीर पर बीमारियों का कब्जा हो गए, हैं? भूतल को होगा कब्जा, जो आगो बगल में, हैं? भूतों का कब्जा हो गया शरीर पर, तो क्या करते हैं तुम लोग? जिस प्रकार संसार में जमीनों पर कब्जा होता है तो अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं, साहब बचा लो, मुक्त करा दो, उसी प्रकार हम लोग दरबार में बागेश्वर बालाजी की अदालत में आते हैं और बालाजी के पास आकर के कहते हैं कि रोग का कब्जा हटा दो, भूत बाधा का कब्जा हटा दो, हमको निरोगी बना दो। अच्छा सुनो, रोको रोको रोको, इतना ही नहीं, अच्छा जब दरबार लगता है, अदालत जाते हैं जब मुकदमा दायर किया जाता है तो केस में पेशी करनी पड़ती है। हाँ जी ना जी? बोलो। यही बागेश्वर धाम में केस क्या है, नारियल बन गया, याचिका तुम्हारी सुन गई, पर्चा बन गया, केस की फाइल बन गई। अब मंगलवार क्या है, मंगलवार है पेशी, आप पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, मुकदमा का फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा और जीत भी तुम्हारी। अब तुम नियम का पालन न करो, अदालत में क्या होता है अगर केस पेशी पर हाजिर ना हो तो क्या हो जाता है, वारंट कट जाता है। हाँ जी ना जी? संबंध भेजते हैं, वारंट कट जाता है, हाँ भाई इस तारीख को हर हाल में आ जाना, नहीं तो जो है जमा गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा। बोलो, होता ना जिस प्रकार अदालत में वारंट कट जाता है, उसी प्रकार बागेश्वर धाम के जो नियम नहीं करते उनका भी वारंट कट जाता। बोले क्या? बोले समस्या उल्टी बढ़ जाती है, यह समस्या ठीक नहीं होती। इसलिए हमारे प्रिय साधकों, जितने भी आज दरबार में बैठे हैं, एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुने, वो बात यह है, अपनी अर्जी जो आप लेकर आए वो तो आपका काम होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है। हमें बालाजी ने चुना है, हमें आपके लिए भले ही उनसे लड़ना पड़े, पर आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम आपकी समस्या का समाधान करवा करके ही मानेंगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, धैर्य इसलिए मशीन तो है नहीं, चलो गुरु जी यहाँ चार्ज कर दो, फिर हमारा भी बुढ़ापा, शरीर कम, हाथी भर दे, आंखों से देखना कम हो, अभी पराए घर नहीं जाना है, फिर भी ये दुर्दशा है। लेकिन हम आपको बताएं,
चाहे जितना शरीर थक जाए, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते हैं। हमको चाहे लेटे लेटे अर्जी लगानी पड़े, हमारे देवता ऐसे तो है नहीं कि अगरबत्ती लगावे परत, दिया जलावे परत, हवन करवे परत, तब देवता आओ तब पंचा बना। हमारे देवता तो परे परे बता दे, हमारा वाईफाई वेरी हाई। अब आजकल आज हमें एक पत्रकार बता रहे थे, बोले गुरु जी इतने दरबार लगन लगे, अरे हम कर लगने दो, हमारा लोट तो कम हो रहा बाढ़ में, कौन परेशान हो गए। लेकिन एक बात बोले, कल हमने कथा सुनाई थी आपको, 10 चलते हैं तब एक पहुंचते हैं। हम तो मैं दरबार में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न ताली बजवाने बैठाए हैं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर हनुमान जी का बनाना है। दरबार तुम कहोगे पर अगर हनुमान जी का बनाना तो यहीं बैठे रहो, आप जाते क्यों हो? हम इसलिए जगह जगह जाते हैं क्योंकि दरबार और चमत्कार तो बहाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमें हनुमान जी ने चुना ही किसी और काम के लिए, और कई विरोधियों की नींद खराब है हमारे कारण, कईयों के पेट खराब है, हरी उल्लाए वालों की दुकानें बंद हो गई, अजमेर में भीड़ जाना बंद हो गई। अभी अजमेर के एक मुल्ला ने धमकी दी हमको, जब से बागेश्वर बाबा आया चादर चढ़ना बंद हो गया। अरे हमका चादर फादर निकट में आ गए, बागेश्वर जब नाम सुना, और ये जो बातें बोलते मिर्चा लग जाती लोगों को। लेकिन एक बात बोले, ये जो हम जान हथेली पर लेके बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं, हमारा क्या स्वार्थ? अच्छा एक बात बताओ, दरबार में हम आपसे एक रुपया लेते नहीं, हमारा कोई स्वार्थ? भंडारा भी फ्री में करवाते, कोई स्वार्थ? कई बार गालियां भी सुनते लोगों की ना मिलने पर, हमारा कोई स्वार्थ? हमारा एक स्वार्थ है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हारा भला हो जाए। अच्छी खासी हम कथा करते हैं, कथा में कोई काम नहीं, 3 घंटा कथा करो 18 घंटा सो। लेकिन हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों? तुम्हारे लिए हम चाहते हैं, तुम हमारा परिवार, हम चाहते हैं अपने सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, हम चाहते हैं तुम पाखंडियों के चक्करों में अपनी बहन बेटियों को ना पहुंचाओ। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम। और इतना ही नहीं, अभी जब तक हमारे तन में प्राण है, देखो जीवन का तो कोई पता नहीं, जब तक हमारे तन में प्राण है, हर साल गरीब बेटियों का विवाह तो हो ही रहा, अब हम 2029 तक नहीं और पहले ही कैंसर हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। दो हजार 2024 हो जाए प्रारंभ, इसके बाद कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम निकलेंगे, जगह जगह हॉस्पिटल की तैयारी करेंगे। और चाहे जैसे हो, अब हम गरीबों को डॉक्टरों से लुटने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए उसके लिए हमें, चाहे जिसको चमत्कार दिखाना पड़े, चाहे जिस बड़े आदमी देखिए ना, आप सबसे यही प्रार्थना, आप लोग हम पर सुधा मत रहे, हम तो नालायक मूर्ख पापी जीव, गांव के गवार हैं, हम तो धूर्त आदमी हैं, हमारे ऊपर श्रद्धा मत रखो। आपको श्रद्धा रखनी ही है, आपको देखो इंसान हमेशा भरोसा तोड़ देता है, भरोसा रखना ही है बागेश्वर हनुमान पर भरोसा, तो कभी नहीं तोड़ेंगे। नाम जप करो, पेशी कभी मत छोड़ो, देखो नियम छोड़ोगे कल्याण नहीं होगा, धैर्य रखो। हम अक्सर एक शेर बोलते हैं, कल भी बोला था आज बोल देते हैं, ज्यादा नहीं होगा, कौन पेट में अपच हो जाएगा। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। हमने तो अपनी आंखों से देखा, अभी कलिया परसों एक आदमी आया था, बोले महाराज जी आप मेरे नियम है, लेकिन हमारी बेटी को ऐसा रोग था जन्मजात, उसको खून नहीं मंगता था। हमने डॉक्टरों से जब उस बारे में पूछा कि इसका मतलब क्या है, बोले महाराज जी लाइलाज बीमारी है,
जब खून नहीं बनता है तो प्रत्येक बच्चा को पूरी जिंदगी भर हर महीना खून चढ़वाना पड़ता है, तब जी पाता है। और खून बंद कर दोगे बालक मर जाएगा। और हमने अपनी आंखों से देखा, वो आके रोते हुए हमें बता रहा था, बोले गुरुजी हनुमान जी की दया से अपने आप वह रोग ठीक हो गया और आराम रह गया। ऐसी चीजें हमने ना सुनी है ना देखी है। कलयुग में हनुमान जी ऐसी लीला कर रहे हैं। हमारा मानना है इस भारत में राम नाम के राज्य की स्थापना के लिए बागेश्वर हनुमान जी प्रकट हुए हैं। लेकिन तुम चूक मत जाना, अधैर्यता मत करना। इतना तय है कि तुम्हें घूम फिर करके बालाजी के ही चरणों में आना पड़ेगा। हमें इसके ध्येय में नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम आओ ना, ये बुद्धि से निकाल दो। हनुमान जी के चरणों में पहुंचाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के जो दरबार में आप बैठे हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, बालाजी और सन्यासी बाबा को सब सुनाई पड़ता है, जाओ सेना पहुंच जाएगी। काम सफल होने लगेंगे, रोग में संकट में पीड़ा में आराम लगने लगेगा। और जाओ जो भी ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का तुम श्रद्धा पूर्वक जाप करके देख लो, तुम्हारे आसपास की सिद्धियों का शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। हम सबसे ज्यादा दिल से किसी को अगर बहुत हृदय से मानते हैं तो वो भारत की आर्मी को मानते हैं। और हमारी प्रार्थना है रियल हीरो यही लोग हैं। टीवी पर आने वाले नचैया है, नाचने वाले रियल हीरो यही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, ट्रेन में कोई अगर सफर करे जय साधु जी, भारत का दुर्भाग्य है, ट्रेन में अगर कोई फिल्मी स्टार सफर करे डिब्बे खाली हो जाते हैं। लेकिन ट्रेन में अगर कोई भारत की देश की सीमा पर रक्षा करने वाला सिपाही सफर करता है, एक सीट नहीं मिलती। और हम लोग कहते हैं कि हम आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम भारत आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके कारण हम लोग चैन के साथ सो रहे हैं और सांस ले रहे हैं, वो तो सच्चे रियल हीरो हमारे भारत देश की सेना। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि केवल बातों से नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, कृपा करके हृदय से कुछ अपने व्यवहार में भारतीय आर्मी का सम्मान किया कर। अभी हम जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पर पौनी गए थे, वहां स्तंभ है, कारगिल के सभी अमर जवानों का स्तंभ बना हुआ है और अद्भुत है। कई महीनों तक बाहर रहते हैं, घर नहीं जाते, परिवार को छोड़े रहते हैं, लेकिन इनका पूरा भारत ही परिवार रहता है। और भारत माँ के प्रति है। तो शायद हमें लगता खजुराहो आए होंगे छतरपुर, पौनी, अरे पौनी में कहाँ थे? ओ तेरी, अभी हम पौनी गए थे प्यारे, बताया ओ बालक दास जी महाराज जी है ना, बद्रीनाथ वाले, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, उनका जन्म स्थल है वहाँ। हम वहाँ गए थे, वहाँ पर खूब आनंद आया। अभी बहुत लोग थे वहाँ भी, भारतीय आर्मी का कैंप है, सब लोग जम्मू भी गए, वैष्णो देवी जी गए, होता है बहुत लोग वहाँ के प्यारे। अच्छा तो आप ये हमारे जिले में ही है, जिले में से आए छतरपुर से, और आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मनी मन में ये प्रण जरूर लें, व्यवहार और विचार से भारतीय आर्मी का सपोर्ट किया करें। जय सियाराम। हम तो पठानकोट भी गए थे, और पठानकोट में उसके पहले वहाँ भी गए, अमृतसर दरबार साहब में मत्था टेका, इसके बाद में फिर जम्मू माता के दर्शन करने। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े प्यारे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, नटखट भी बहुत होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें जम्मू कश्मीर जा करके। हम इतना तो पहली बार गए हैं तो बहुत प्रसन्नता हुई। तो आज के दरबार में जो बैठे हैं, नियम का तो पता ही है सबको, है लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है। जय हिंद श्रीमान। अरे वाह साधुवाद।
आप भी आर्मी में, जय हिंद। और हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पर हमारे जवानों के लिए एक यज्ञ करवाने वाले, तो हमने पौनी में भी महाराज जी करवाते रहते हैं, बद्रीनाथ वाले बालक दास जी हैं, योगेश्वर बालक दास जी वो करवाते रहते हैं, तो हमने उनसे ही विचार किया था। तो बागेश्वर धाम पर बहुत जल्दी उनकी आत्म शांति के लिए, हमारे जवान जितने हैं उनकी आत्म शांति के लिए हम बहुत जल्दी 108 कुंडली यज्ञ करवाने वाले, जब हनुमान जी लीला करेंगे। तो आप लोग जितने भी विराजमान हैं, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, बड़े आदमी हो हमें दे दीजिए, हम पचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, सोना चांदी, बैंक की एफ डी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हैं, हम सब पचा ले। बाहर में गया, 4 साल से भंडारा चल रहा, फ्री अभी हम रोटी सब्जी खबा रहे क्योंकि जेब गर्म नहीं है। जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी माल पुआ रसगुल्ला छनाएंगे, भटे रामदास को बड़े रामदास। लेकिन हाँ, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी दान, अब आजकल तो एक ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रही, ऑनलाइन और मैं ऑनलाइन में डाल देते हैं, बागेश्वर बाबा से वीडियो कॉल पर मात्र 1100 रुपए में बात करें, मात्र 1100। एक बार हमने फोन लगा दिया, बोला हेलो, हम कहा हाँ हेलो, हम कहा भैया हम बहुत परेशान है, गुरु जी से बात करवा, बोले हो जाएगी, रो मत, और एक काम करो 1100 पेटीएम कर दो। हमने कहा कौन सी कॉल होगी, बोली आज वीडियो कॉल तो बंद है, आज आईडियो कॉल होगी बाबा से। हम कहा 1100, बोले क्या, बोले एक काम, हम कहे हम बहुत गरीब आदमी, बहुत साधारण, हमारे पास इतनी, बोले एक काम कर तुम 300 दे। हम कहा ठटरी के भरे, बोले कौन बोल रहे हो, हम कहा वही बोल रहे जिनके नाम से तुम अपने बाल बच्चे पाल रहे हो। फिर आगे के लगे ना मोबाइल बंद कर दिया, फिर नहीं हुआ चालू कर, तो फोन लगा देते तो वो एक लड़की बोलती थी, दिस इज नंबर 6 जॉब। इसलिए किसी भी प्रकार से दान, शुल्क, फीस, दक्षिणा, हमें दान की आवश्यकता नहीं, आपके दिलों में हनुमान की आवश्यकता है। हम चाहते तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में पीड़ा ना रहे, इसलिए मेरे पागलों तुम दान के चक्कर में मत पड़ना। और एक और प्रार्थना है, बागेश्वर धाम में जुड़ने वाले और आने वाले लोगों से 3 चीजें अपने घर पर रख करके आया करो। पहला पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो हम बहुत अमीर हैं, बहुत दान देंगे, यहाँ टीन सेट बनवा देंगे, ये करवा देंगे, गुरुजी डायरेक्ट मिल लें, तुम अपनी छटनी बनवा। हाँ, ना हमको दान चाहिए ना मिलना। दूसरा पद, किस पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र बन जाओ। लेकिन आप सोचो कि हम बहुत बड़े पद पर है, VIP प्रोटोकॉल मिल जाए, तुम अपनी 2 बार छटनी बनवा। क्यों, अमीरों को तो हजारों गुरु होते हैं, घर पर आकर आशीर्वाद दे देते हैं, उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं, भोजन नहीं करते हैं, बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके पैदल चल करके आते हैं, उनके तो सिर्फ बागेश्वर बालाजी ही है ना। तीसरा सपोर्ट, कई लोग सपोर्ट लगाते हैं, इनकी उनकी, कहीं हमारी माता जी की, देखो हम सपोर्ट से पर्चा तो बना सकते हैं, पर काम ना हो इसे दांत निकाले, काम तो बालाजी को, हाँ लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, कलयुग के राजा वीर बजरंग बली है। लोग हमसे कहते हैं हनुमान जी तो सब जगह है, आपके बागेश्वर धाम पर ही इतनी भीड़ क्यों रहती है, लाखों लोग रहते हैं, क्या बात है। हमने कहा सुनो, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठते हैं उन्हें ज्यादा लगती है। हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठे, अच्छा मान लो पंखा के नीचे बैठे ज्यादा लगेगी कि नहीं, और कूलर के सामने, अच्छा और बड़े पंखा के सामने, हेलीकॉप्टर के पंखा के नीचे लगेगी कि नहीं, बोला। पर हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है उन्हें ज्यादा लगती। वैसे हनुमान जी सब जगह है, संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है, जहां दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 में उनका काशीवास हुआ, फिर जो तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आपका सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया। लेकिन आज तक का इतिहास है, जिन जिन ने भी नियम किया, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके एक स्पेसी की नियम किया, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओ। भगवान के घर देर है लेकिन
गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मन में राम नाम जप करो। अब हम दरबार प्रारंभ करते हैं। भैया पेन कागज ले आओ और खूब भजन करो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जिन्हें जाना होगा तो वो अपनी गाड़ी लारी चील गाड़ी ट्रेन, कई लोग तो मेका लगाए दिन ही में, कई लोग बैठे हैं आज तो लगा ही जाएगा, आज तो नंबर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो आ जाएगा। अरे बेटा अब हम क्या करें, हम जो हो कि खाली बैठे हो तो बताओ बेटा, हम दिन भर चकरिया बने, हमारा भी बुढ़ापा, ज्यादा देर बैठो शरीर का अंदर सो जा, आंखें कान लगती बंद कर लो, पेट कान लगा तो रसगुल्ला चाट ले आओ, आओ पटकी ले आओ, सबको डाल ले पटकी ले आओ, हम सामूहिक अर्जी लगा देते पटकी डाल के, फिर आप लोग ने कर दिया चाय पी ले, दोनों हाथों की मुट्ठी, हाँ गुरु जी के प्राण खा ले। कहाँ से हो, माइक लो। बिहार पहली बार आए? अच्छा, यहाँ आपने किसी को अपना नाम तो नहीं बताया था, किसी ने पूछा तो नहीं था, कोई विषय तो नहीं बताया? अच्छा, हमें कैसे पता लगा? बालाजी हम अंतर्यामी, क्या समाधान हम हमारे बालाजी से पाना चाहते ये पूछो। हाँ क्या होता है उन्हें? ठीक है, एक बात और पूछो, हमने लिखा कब से दिक्कत है उनको? हमने ऐसा लिखा, दो जुड़वा बच्चे हैं, रो रहे हैं, उपद्रव मचा रहे, मुख बंद हो गया, मुख बंद यानी वाणी बंद, पढ़ते जाना, उठा पटक मची हुई है, गंभीर हालत है, डेढ़ साल से दिक्कत बनी हुई है, अचानक समस्या बनी, डॉक्टरों ने ला इलाज बताया है, डॉक्टरों की जांच में नॉर्मल है, भूत विद्या का प्रयोग किया गया, आपकी अर्जी स्वीकार इसलिए हुई क्योंकि घर में मातम जैसी स्थिति बन रही है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन दरबारों का कहना है कि बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। तो बात एकदम सही, कोई संदेह, रो मत गंभीर हो, ये बात एकदम ठीक। अब सुनो कारण, राम भूत बाधा का प्रयोग है, किया गया प्रयोग है, गंदी शक्ति है, परिवार के द्वारा की गई है, पूर्व में हकलाहट बनती थी, हकलाहट थी, पहले भी बोलते थे, अस्पष्ट बोलते थे, पूर्ण ठीक नहीं बोलते थे, जन्म से ही हकलाहट थी और तंत्र विद्या के कारण इनके गले को बांध दिया, वर्तमान में आवर खावर मचा रहे हैं, आवर खावर मतलब बहुत उपद्रव कर रहे हैं और अनकंट्रोल है, जाओ हम सेना भेज रहे हैं, हमारी सेना पहुंची है, तुम्हारे किसी कमरे में पर्दा लगा है और पर्दे के पास में डबल बेड बिछा हुआ है, वहां पर कोने में एक कांच का बर्तन रखा हुआ है और उसके सामने फोटो लगी हुई है, कोई विवाहिक वाली फोटो लगी है, वहीं पर एक पेटी रखी हुई है और अलमारी रखी हुई है और वहीं पर आगे बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बना हुआ है, सेना पहुंच गई और जाओ तुम्हारे बच्चों का बाल बांका नहीं होगा। राम, काम धाम की दिक्कत बनी, साथ में तनाव बहुत ज्यादा है, परिवार जन धमकी देते हैं, ये भी आपने अर्जी लगाई है, ये भी स्वीकार है, लेकिन पहले हमें बच्चों को बचाना है, उनको तुम्हें एक बार लेकर के आना है, मूक बद्धता में तो पूर्ण आराम नहीं होगा, लेकिन ये जो
बहुत ज्यादा उनकी हैप्पी बढ़ रही, रो रहे, इस पे हम कंट्रोल करवा नहीं। जो प्रेत की दिक्कत बन रही है, तुम तुरंत जाओ, पांच पांच लौंग बांध देना, हम भभूति दे रहे, और जाओ, हनुमान जी तुम्हारी जय जय करेंगे। ये मन राम ये भगवती है। आप यहाँ 11 दिन की अखंड ज्योति जला दो और तुम खूब भजन करो बेटा, जाओ। हाँ, पहले वो हनुमान चालीसा वाली बच्ची को भेजना है, कल्याण। कोई संदेह बेटा? बराबर, आशीर्वाद, जाओ। तुम्हारे शरीर की भी पीड़ा ठीक रहे। अगला क्रम आ जाए, राम साधु जी। माइक लैम, आप कहाँ से आए हैं ये बताएं। खुश रहो बहना, कहाँ से आई हो? उड़ीसा में कहाँ रहती? क्या पहली बार आई हैं? अच्छा, किसी को अपना, देखो किसी को अपना विषय तो नहीं आपने बताया? ठीक, किसी ने पूछा तो नहीं? नजदीक आओ, हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी बराबर दोनों पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आपको कैसे पता लगा बागेश्वर धाम के बारे में? टीवी पर देखते रहे, मोबाइल पर? बहुत अच्छा, क्या प्रश्न का समाधान आप बालाजी से पाना चाहेंगे? ठीक, हमने ऐसा लिखा है, नजदीक आओ, तीन विषय आए, गलत बोले, माइक आपके पास है, तुरंत टोकना है। पेट में दर्द रहता, गंदे सपने आते, मुंडा बालक दिखाई देता, कोख का बंधन है, कोख बांधा गया, संतान कृपा होगी, कामना 2026-18 अप्रैल को पूरी हो जाएगी और बेटा ही होगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या पर्चे में यही लिखा? माइक से बोलो, एकदम सही, किसी को बताया तो नहीं था? दूसरा, आपकी नौकरी प्राप्त होगी, घर का क्लेश बंद हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप लगते वो भी ठीक हो जाएंगे, गर्भाशय में डॉक्टरी भाषा में दिक्कत थोड़ी बताई गई, ट्यूब की ब्लॉक की दिक्कत है, ट्यूब ब्लॉक बताया गया जांच में, और आपके पूर्वजों का भी पितृदोष का बंधन बना हुआ है, आपने उपाय करवा लिया, बहुत स्वामियों के पास पूर्व में जा चुके हैं, बहुत उपाय कर चुके हैं, ताम पत्र विधि भी आप दरबार की करवा चुके हैं, उसमें भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपने 27,000 रुपए तंत्र क्रिया में खर्च किए थे, वह 27,000 रुपए आपने गहने को गिरवी रखवा करके दिए थे, उससे भी आपको लाभ नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं होगा और पेशीवर करनी पड़ेगी, दी हुई तारीख में 3:23 पर पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद। कोई संदेह? आप पढ़े लिखे मूर्ख मत बनो, क्या बात एकदम सही? बराबर, सीताराम बिल्कुल है, करवाई हुई है कोक बंधन। पूरा घर हैरान है, पूरे परिवार को आना पड़ेगा और प्रेतराज सरकार के दरबार में आपको बैठना पड़ेगा, पेशी पूर्ण करनी पड़ेगी तो लाभ होगा, नहीं तो ना हम ईश्वर है, ना हम भगवान है, ना कोई महात्मा है, हमें तो जो आज्ञा वहां से लगी हमने आपको बता दिया। भूत विद्या का प्रयोग आपके घर पर सन 2018 में किया गया, 2018 में होली के बाद किया गया, पहले 2011 में किया था, वो आपने एक बार उपाय करवा लिया था, उसमें कोई माता जी को कोई दिक्कत बनी बताई गई थी, परिवार की किसी स्त्री को भयंकर उपद्रव किया था, वो कंट्रोल हो चुका है, उसमें लाभ। वर्तमान में 2018 वाली तंत्र विद्या आप दोनों पर प्रभाव कर रही है, इसी कारण से गंदे सपने, रात को भयावह लगना, डर लगना, एक दूसरे के ऊपर शक का बात हम माइक से बोल नहीं सकते, चूंकि सामाजिक लोग हैं, यहाँ पर कोई मोबाइल चालू किए होगा तो बेइज्जती होगी, एक दूसरे में बहुत क्लोज रिश्ते में शक का चरित्र का आरोप लगाते हो, समझ गए, और दोनों ही सही नहीं हो, पोल खोलवानी हो तो हम आगे बढ़े, नहीं जाओ।
भजन करो, नाम जप करो, पवित्रता के साथ रहो, जो विधि दी वो उपाय करो, पानी खाली नहीं जाएगी। इस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली व्यर्थ नहीं जाती, वैसे ही बागेश्वर धाम पर गद्दी से कही हुई बात व्यर्थ नहीं जाएगी। परिवार की स्त्री के शत्रु है, पारिवारिक शत्रु है, तुम्हारे बगल में रहने वाला पड़ोसी भी उपद्रव करता है, कचरा फेंकता रहता है तुम्हारे बाहर, अभी पीछे कचरे पे ही लड़ाई हो गई थी तुम्हारी, नाली का पानी डाल रहा है उससे भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और फिर वो छत पे भी सामान फेंकता रहता है, उसके घर पर तंत्र काटे रहते हैं, और एक मौलवी से वो जुड़ी हुई है तो वो मौलवी के द्वारा तंत्र विद्या करवाती है, परिवार की एक चाची भी पीछे लगी हुई है और वो भी उपद्रव करती है, धमकी देती है, लेकिन इसमें तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो विषय हमारा है। और क्या जानो, खुश, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, नौकरी होगी मतलब होगी, परिचय गहरा है, जो बालाजी कह रहे वो होगा, ये बहू तीरो भजन करो जाओ, बाल बांका नहीं होगा, काली रेशम देना, पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके पेशी लगातार करना, हम विधि करेंगे, आज्ञा है, उठ जाइए, उठिए, दूसरों को नंबर मिल लेंगे। झगड़ा तभी ठीक होगा जब दोनों सुधरोगे, ना सुधरने हो सो हमें बताइए, हम लाइफ में बेइज्जती करेंगे, तो सुधर जाओ, आज के बाद शिकायत ना मिले, ठीक, पवित्रता से चलो दोनों, दोनों कम नहीं हो, तुम्हारा मुंह भयंकर चलता है तो मुंह कंट्रोल करो, और जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है वो देखो भाई, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, तो ज्यादा इन पे मत जाओ डीपली, पर बाकी जो तुम्हारी इच्छा हो, हम सबके लिए बैठे हैं, नहीं कोई बात नहीं, जाओ भजन करो, ठीक, खुश, हाँ सदा खुश रहो, हनुमान जी सदा तुम्हारी रक्षा, जीवन भर हम तुम्हारे साथ, मेरी बहना कल्याण, घर से चिट्ठी लिखकर लाई, पांच प्रश्न लिखकर के लाई हुई है, प्रमुख रूप से बच्चों की सफलता की अर्जी लगाई हुई है, नंबर दो, घर में जो उठा पटक देखने की बनती है, बीमारी की बनती है, उसका रहस्य जानने के लिए आप दरबार में आई हैं, आपके घर पर प्रेत संकट है और आपको भी जकड़ता है, आपके स्वप्न में भी वो परेशान करता है, रात को तरह तरह के शरीर धारण करके आता है, उसके लिए आपने देवी माता की चौकी का उपाय भी करवाया, उसमें आपको लाभ नहीं हुआ है, और यह प्रेत चिन्ह शक्ति हमेशा के लिए बंद जाएगी, आज से ही कंट्रोल होने लगेगी, जाओ आशीर्वाद है। माइक से बोलो क्या एकदम सही है? भाई के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? तो संगत बहुत खराब है और उठा पटक भी, मारपीट भी बहुत कर रहा, पूरे घर को बर्बाद हुआ, तहस नहस कर दिया, उनको आना पड़ेगा, उनके केवल यही तीन बातें हमारे पास सरजी के रूप में आ पाए, सरजी के लिए उन्हें आना पड़ेगा, अभी सिर्फ हमें दो उपाय करने, आपकी दो समस्याओं को हम ठीक करवाएंगे अभी की बेस में, एक ये शक्ति वाली संकट वाली, दूसरी बच्चों की फेज, और इसके बाद में उनकी अर्जी वो खुद लगाएंगे तो समाधान हो पाएगा, अखंड रामायण का पाठ आप अपने घर पर करवाएंगे, हम सेना आज ही भेज देते हैं, बल्कि हमारे पास अभी जब हम अर्जी लिख रहे थे भाई वाली, तब बताया गया कि आपके दो निवास हैं, दो निवास हैं, पुराना निवास अन्यत्र जगह है, तो वहाँ की हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी मिलेगी तो हम बहुत बारी, आला जी कृपा करेंगे, इसी में हमने एक मंत्र लिखा, ओम एम ह्रीम, आगे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लें, ये आपका विषय है, ये आपका पर्चा है, बालाजी खूब दया करें, आशीर्वाद। इनके साथ में कौन था? बूढ़े दादाजी थे, यार आइए, तब तक जब तक अर्जी ये स्वीकार हुई है, अगले क्रम में गुरु जी की प्रेरणा अनुसार राम, हाँ नेपाल वाले नरेश, तो भेजना जरा हितों के साथ, या यू कम, यस, दूसरा पीली साड़ी पहने वो माता जी बीच में बैठी है, आप खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ जी माता, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये जो खड़ी हो गई तो आने देना,
आपको बताने की जरूरत नहीं, भजन करो। हेलो, बीच में मत दो, हम भगवती दे देंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ, कैसा लग रहा है? हमारा माइंड खराब है। करो ठीक है। बैठो।